नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर जनपद एटा के जिलाधिकारी सुखलाल भारती के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। ताजा मामला है अवागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बराई कल्याणपुर का, जहां डीएम सुखलाल भारती ने औचक निरीक्षण के दौरान देखा कि गाँव में ग्रामीणों ने सड़क पर खूंटा गाड़ कर पशु बांध रखे हैं। उनसे गाँव में काफी गंदगी हो रही है, आवागमन में भी राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। डीएम ने कड़े रुख में खूंटा गाड़कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। अवागढ़ एसओ को निर्देशित किया गया कि अगर कोई भी ग्रामीण सड़क पर अतिक्रमण कर गंदगी करते हुए पाया जाए तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। साथ ही डीएम ने ग्रामीणों को हिदायत दी कि सार्वजनिक स्थान और सड़कों पर पशु बांधकर अतिक्रमण न करें, अन्यथा उन्हें जेल भेजा जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान और सचिव पर नाराजगी जताते हुए अपने सामने खड़े होकर सड़क पर हुए अतिक्रमण को उन्होंने हटवाया। गांव में सीसी सड़क बनी है, नाली बनी हुई है जो ढकी हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था, मतलब यहाँ सड़क के मामले में तो ये गांव बहुत संपन्न है। ग्राम जहाँ तक सफाई की बात है, सफाई गंदगी बहुत है यहाँ पे, यहाँ सफाई कराने जाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैंने प्रधान जी को बोला है, गैंग लगा के पूरे गाँव की सफाई करा दें, और कोई खास समस्या नहीं है। गाँव के लोग बड़े संपन्न है, कुछ पात्र लोग जो छूट गए हैं, जिनके शौचालय नहीं बने हैं, उनके नाम नोट कर लिए गए हैं, उनको शौचालय बनाने के निर्देश दे दिए हैं। सर, कुछ लोगों पर मुकदमा, मैंने सुना कुछ लोगों मुकदमा कायम हो रहा है, भैंस बांध रहे हैं रोड पर। ऐसा है कि देखो, इतनी अच्छी गांव में सीधी सड़क बनी हुई है, इतनी बढ़िया नाली बनी हुई है, लेकिन लोग अपनी भैंस को गाय को सड़क पर बांध रहे हैं, बांध करके गंदगी फैला रहे हैं, पूरा गोबर नाली में जा रहा है, पूरे सड़क को गंदा कर रहा है, नाली को गंदा कर रहा है। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है, इनके 133 की कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग अपने घूरा सड़क पर डाल रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट।